हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो वापस से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ माता टीला रिवर डैम पे, जो कि बेतवा नदी पे बना हुआ है। और अभी मैं इस टाइम हूँ लगभग और अभी मैं इस टाइम हूँ ललितपुर सिटी में, जो कि ललितपुर सिटी से लगभग 20 या 25 किलोमीटर आई थिंक इतना ही दूर है। तो अभी बस मैं यहाँ से निकल चुका हूँ ललितपुर सिटी से। जिस किसी को नहीं पता, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तो अभी माता टीला डैम पे जा रहे हैं हम, जो कि बेतवा नदी पे बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ चल के आपसे सारी बातें करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि डैम के बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कैसा डैम है। आज से पहले मैंने भी कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है माता टीला रिवर डैम का। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं माता टीला डैम पे और लगभग यहाँ से अभी 7 या 8 किलोमीटर और रह गया है। अभी जैसा कि मैंने अभी हाईवे पे आपको दिखाया था, वहाँ से 9 किलोमीटर था। तो वहाँ से राइट टर्न लेके मैं आया हूँ ये, और ये सारा आर्मी एरिया है। इधर काफ़ी आर्मी वगैरह रहती है, तो इधर देख सकते हो आप लोग। अभी बाकी अगर कुछ अच्छा सा व्यू होगा या कुछ अच्छा सा दिखाने लायक होगा तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगा। और पीछे काफ़ी सारे आर्मी टैंक भी रखे हुए थे। तो बस चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको। तो अभी बस आ चुका हूँ बिल्कुल डैम के करीबन, और ये देखिए इधर का कितना प्यारा व्यू हो रहा है, कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और बस लगभग थोड़ी सी दूर और रह गया है यहाँ से, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा आपको। और सच में आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और व्यू भी काफ़ी प्यारा हो रहा है। ये देखिए इधर एक बोट रखी हुई है, देखिए आप लोग, इधर तो बोटिंग वगैरह भी होती है आई थिंक सारी चीज़ें। और डैम बो रहा वहाँ पे, तो चल के देखते हैं कि डैम के अंदर कितने गेट हैं और कैसा है दिखने में, कितना ज़्यादा पानी अभी भरा हुआ है, कितना ज़्यादा पानी नहीं भरा हुआ है। तो सारी चीज़ें चल के बस देखते हैं वहाँ पे। गाइस, फाइनली डैम पे अभी आ चुका हूँ और सामने ये देख रहे हो आप लोग, ये है डैम का पार्किंग एरिया। तो अभी यहाँ से अपनी गाड़ी, यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर डैम देखने के लिए चलते हैं और सारा व्यू देखेंगे। तो इधर ही लगा देते हैं पार्किंग में। तो गाइस, अभी आ चुका हूँ फाइनली डैम पे और इधर देखिए, ये रहा अपना डैम। बताते हैं अभी केस के अंदर कितने क्या गेट हैं। और ये देखिए इधर पार्क वगैरह है, तो आप फैमिली के साथ में यहाँ पे आ सकते हो आराम से और घूम सकते हो सारी चीज़ें और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आए हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। आप लोग भी फैमिली के साथ आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी डैम तो बंद है क्योंकि डैम के गेट वगैरह नहीं खुले हैं, इतना ज़्यादा पानी नहीं है डैम के अंदर। तो बस वहाँ से चल के और व्यू देखते हैं डैम का, फिर आपको ऊपर से दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो पूरा व्यू कि मैं माता टीला डैम पे आ चुका हूँ और ये इधर का पार्क वगैरह है पीछे, ये जहाँ पे आप पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आ सकते हो फैमिली के साथ में, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला थोड़ी देर पहले। तो आप आ सकते हो। और इस डैम के अंदर 23 गेट हैं और 1958 में ये बना था, और ये ललितपुर से होगा लगभग 40 या 50 किलोमीटर के लगभग दूर होगा। मैंने 20-25 बोला नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा है ये। और अभी यहाँ का व्लॉग आपके साथ पूरा शेयर करके कंप्लीट करके फिर घर के लिए भी निकलना, कि यार सच में काफ़ी लेट हो रहा हूँ। तो ये व्लॉग जल्दी जल्दी से बस शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था और मेरा भी मन था थोड़ा घूमने का, तो सोचा कि घूमते घूमते आप लोगों को भी दिखा दूँ। और इधर का ही आपको व्यू देखिए पहले पूरे पार्क का, ये इधर का व्यू है। तो अभी फाइनली ऊपर चलते हैं और ऊपर से थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे। फाइनली ये है माता टीला का डैम, जिसके अंदर की 23 गेट हैं और लगभग ये 1958 में बना था, और काफ़ी बड़ा डैम है, 23 गेट है इसके अंदर। और अभी मेरे आने से सुबह लगभग पहले इसके 13 गेट खुले हुए थे। यहाँ पे मैंने इन लोगों से बात की तो पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि अभी 13 गेट खुले हुए थे। और बाकी का आप पूरा व्यू देखिए, यार सही लग रहा है। वहाँ ऊपर जाके भी, वहाँ से जाके भी हम लोग घूम सकते हैं, तो आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। गाइस, ये है डैम का पूरा व्यू, आप लोग देखिए यहाँ से सामने जा सकते हैं पूरे 23 गेट के लिए और पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और इस साइड भी एक बार देखिए, हवा सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो मेरी वॉइस में अगर
थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर करना। बाकी का आप पूरा व्यू देखिए यार, पूरा पानी पानी भरा हुआ है वहाँ तक सच में, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, लहरें भी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है देखो, छोटी 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 छोटी। तो साइड का पूरा फाइनली व्यू देखिए और इस साइड का भी वो दिखा दूँ। सच में यार जगह तो अच्छी है, घूमने के लिए आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पिकनिक मनाने के लिए फैमिली के साथ में भी आ सकते हो। इधर का व्यू देखिए आप लोग, ये देखिए अभी बस हवा चल रही है, बस उम्मीद है कि आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही हो, बाकी सब तो ठीक है। बाकी का फाइनली इधर का व्यू देखिए आप लोग, ये है वेतवा रिवर है शायद आई थिंक उसका नाम। और अभी तो सूखी पड़ी हुई है क्योंकि गेट वगैरह इतने नहीं खुले हैं इसका। डैम अभी तक काफ़ी सारे घूमे हैं, बट ये वाला डैम है ना सच में काफ़ी बड़ा है। कोटा बैराज भी मैंने घूम रखा है, उसके व्लॉग भी आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे। तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कोटा बैराज जितना कि ये है। इसकी एक गेट यार इसका सच में काफ़ी चौड़ा है यार। कोटा बैराज इससे पहले हम लोग गए थे तो उसके व्लॉग मैंने आपको काफ़ी सारे दे रखे हैं, और इतना बड़ा नहीं है सच में यार, ये बहुत बड़ा डैम है सच में। इसके अंदर मुझे यार यकीन नहीं हो रहा देख के यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा डैम देखा है सच में। 23 गेट हैं इसके अंदर और बहुत बड़े बड़े गेट हैं। सोचो कि ये 23 गेट जब खुलते होंगे तो यार कितना पानी का फ्लो रहता होगा, इधर कितना ज़्यादा पानी इस साइड में कितना ज़्यादा पानी जाता होगा इधर जब ये 23 गेट खुलते होंगे। एक गेट देखिए आप लोग कितना बड़ा है, एक सेकंड मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए कि आप ये वाले जब गेट खुलते होंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक गेट का ये इतना फ्लो बना हुआ है, जब ये गेट खुलते होंगे तो कितना ज़्यादा पानी जाता होगा। ये देखिए यहाँ पे लोग बाग मछली पकड़ रहे हैं नीचे वहाँ उधर। और डैम के बारे में हिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी उधर से मैंने आपको इधर का पूरा व्यू दिखाया था जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, पूरा इस साइड का भी आप लोग एक बार देखिए। ये रहे, ये देखिए यहाँ से पानी निकलता है, ऐसे यहाँ से जाता है पानी नीचे के लिए, और काफ़ी मजबूत बना हुआ है यार सच में यार। 1958 का बना हुआ है ये डैम, और ये है ना मध्य प्रदेश ने बनवाया था शायद, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये डैम बना हुआ था। और इस डैम से ग्वालियर के लिए और इधर अपनी झांसी वगैरह के लिए पानी वानी जाता है। बेतवा रिवर पर बना हुआ है, एक बार और रिपीट करके मैं आपको बता दूँ।